तो मोबाइल फोन की दुनिया में कोई भी ब्रांड पीछे नहीं रहना चाहता। इसी को ध्यान में रखते हुए रियलमी ने भी अपना अनाउंस कर लिया है लॉन्च डेट रियलमी 3 का, जो कि कब लॉन्च होने वाला है, इसके फीचर्स क्या है और ये कितने प्राइस रेंज में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारे माधव जी हैं, माधव जी को तो आप जानते होंगे, माधव सेठ जो कि रियलमी के सीईओ हैं, उन्होंने बताया है कि ये फोन मतलब रियलमी 3 4 तारीख को लॉन्च करने वाले, 4 मार्च को 2019 12:30 बजे न्यू दिल्ली में इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। तो ये माधव जी ने साफ साफ ट्विटर पे अपडेट कर दिया है। और दोस्तों माधव जी ने हमें ये भी बताया है कि इसकी जो डिजाइन होने वाली है वो सेम रियलमी 2 के जैसे होने वाली है, जो डायमंड कट फिनिशिंग वाला जो डिजाइन था वही सेम आने वाला है रियलमी 3 में। तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि उसका बैक डिजाइन कैसा होगा या फोन की डिजाइन कैसी होगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं उसके प्रोसेसर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फोन को फास्ट चलाने के लिए, तो इसमें मीडिया टेक हेलियो का P70 यूज किया है इस फोन में। और माधव जी इतना भी कमेंट करते हैं कि ये काफी फास्ट चलेगा, मतलब स्नैपड्रैगन का 660 वाला जो प्रोसेसर है उसको ये बीट करेगा और उससे फास्ट चलने का ऐसा दावा करते हैं। देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा फोन अच्छा चल रहा है या कौन से फोन में प्रोसेसिंग एकदम फास्ट होने वाली है। तो बात कर ले अगर इसके कैमरा की, तो इसके कैमरा में आपको कुछ लोग बोलते हैं कि 48 मेगापिक्सल ये सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला, इसमें सिंपली आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है। वो भी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ फ्रंट कैम की बात करूँ तो फ्रंट कैम 16 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल का हो सकता है। और ये बात कंफर्म है कि आपको इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मिलेगा, तो उसका टेंशन लेने का नहीं। दोस्तों बात कर लेकर इसके बैटरी बैकअप की, तो बैटरी इसमें 4000 mAh की होनी चाहिए। अभी तक ये कंफर्म न्यूज नहीं कि इसमें बैटरी कितना होगा, बट मैं एज अ यूजर एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इसमें 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए। और अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है तो भाई बल्ले बल्ले, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो यार ये फोन डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए जब भी आप ये फोन मतलब आप कोई भी फोन परचेस कर रहे हो। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज की, तो प्राइस इसका कुछ 10 से 12 हजार तक होना चाहिए। अभी तक कुछ प्राइस का कंफर्मेशन नहीं आया, तो अगर इसका प्राइस 10 से 12 हजार होता है तो एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन ऑफकोर्स अच्छा है, प्रोसेसर इसकी अच्छी है, डिजाइन भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा मिल रहा है आपको, और अगर बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग मिल रहा है तब तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। आपको डेफिनेटली ये फोन आपको कंसिडर करना चाहिए 10 से 12 हजार की रेंज में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका जो डिस्प्ले साइज है 6.3 इंच का होने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि 6.3 इंच में आपको वीडियो वगैरह देखने में मजा आएगा, गेमिंग करने में मजा आएगा। तो एक बहुत अच्छा डिस्प्ले साइज होने वाला है रियलमी 3 में। तो दोस्तों सभी ब्रांड लाइन में लगे हुए हैं। सैमसंग ने M30 का अनाउंस किया 27 फेब को, रेडमी 7 आ रहा है 28 फेब को, और रियलमी आ रहा है 4 तारीख को, 4 मार्च को 12:30 बजे लॉन्च इवेंट होने वाला है दिल्ली में। तो अगर आपको हो अगर आपको इनवाइट आता है तो भाई जरूर जाइए, वहां पे अनबॉक्सिंग कीजिए, आपको एक फोन भी मिलेगा अगर आप लॉन्च इवेंट के पार्टिसिपेंट बनते हो। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आप कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं, सैमसंग M30 का, रेडमी नोट 7, 7 प्रो। 7 प्रो का डेट आई थिंक 15 मार्च तक एक्सपेक्टेड है, श्योर नहीं है तो अभी मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। और अपना रियलमी 3 तो आ ही रहा है 4 मार्च को, तो आप कौन सा फोन लेना चाहोगे मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं आप जानना चाहता हूँ कि लोग किस फोन का ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और हाँ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी बजाना, घंटी टन टन टन, जिसके लिए मैं जब भी वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए।